साथियों सबको जय धर्म है और जय पढ़ा और जय आदि धर्म और जय भारत जय आदि आर। हम आज इस विचार में बात करने वाला है, अभी चल रहा है सारुल महीना, बहावंगा और पोमंखना और खादी पर्व ऐसा बोलते हैं, सभी आदिवासी जनजाति भाषा में तो बोलते हैं। तो आज हम बात करने वाला है, जो आप किताब देख रहे हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा का किताब, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। कुछ बात है ऐसा, हम उसलिए आपको आप देखते हैं, उसलिए हम वीडियो बनाते हैं, आप ही कमेंट करते हैं, आप ही कुछ और भी कमेंट करते रहना और भी शेयर लाइक करते रहना। हम इसी विषय में बात करने वाला, जैसा कि खादी प्रकृति का महीना है, ये प्रकृति का नेकचार और नेक दस्तूर का महीना है, तो हम इसीलिए बात करते हैं। मैं शंकर आराम तिर्की, आप देख रहे हैं कुणुक जिनगानी कथा। तो आज हम बात करेंगे प्रकृति के पर्व का, कुछ बात है उसको मैं आपको समझने में, किसी के पास किताब होगा या नहीं होगा, इसलिए मैं आपको समझने में कुछ बातों को बोलना चाह रहा हूँ सारुल का बारे में। तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने किताब लिखने के कारण है, जब प्रकृति में हम जो आदिवासी है, हम जो इस धरती का जो पुत्र है, पुत्र ये जैसा कि धरती में हम जितना आदमी है, हम जितना मानव है, उतना ही पानी में है, उतना ही जीव जंतु है, जीव है, और गाछ वृक्ष में भी उतना ही है, और ऊपर में भी उतना ही है। जैसा कि ऊपर में कोई रहने के लिए, आजकल जानते हो आप लोग सोशल मीडिया में देखते हो तो ऊपर में चंद्रमा में भी, चंद्र ग्रहों में भी कुछ जगह खरीद किया गया है। तो हमारी पूर्वजों विज्ञान सम्मत था और विज्ञान को मानने वाला थे, इसलिए हम विज्ञान समझते हैं। हम प्रखंड बाद का हमारी पुरखों से हुल्लो पर्यंत से आदि मतलब सृष्टि मूल, इस सृष्टि का मूल, तो उसी समय से हमारे पुरखों ने कभी भी हम प्रखंडवादी को प्रश्रय नहीं दिया और प्रखंडवादी के खिलाफ में गया, हमारी अगवा लोग भी प्रखंडवादी के खिलाफ में था। तो हम भी आज प्रखंडवादी के खिलाफ में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों का जो देन है, जो बात है, उसको हम ही मानते हैं, उसको ही बोलते हैं नेक चार और नेक दस्तूर बोलते हैं हम, इसलिए। तो सारुल का कुछ बात मैं बोलने जा रहा हूँ, कुछ थोड़ा थोड़ा बोलते रहा हूँ एक किताब को, सारुल का जो है बहावंगा और सारुल पर्व। तो हे आकाश की देवता, पृथ्वी की धरती माता, दूध से अग्नि वाले, दही से डूबने वाले, तुम्हें आदि हो, आदि की हो, तुम्हें अंत की हो, मूर्ति से पैर पर और युग की जाने वाले हो, जीने वाले हो, हवा में प्राण देने वाले, पानी में खून सिर जाने वाले, और आसमान में घर बनाने वाले, धरती में बीज छिटने वाले, मछली को दूध बनाकर और कछुआ को दूध बनाकर, ककड़ा को दूध बनाकर और केंचुआ को दूध बनाकर। आपको समझ में आ गया हुआ, यहाँ पर उस अगले वीडियो में आपको सिर्फ बोला था मछली और ककड़ा के बारे में, तो इस वीडियो में कुछ है और कछुआ और केंचुआ। यहाँ पर भी इस धरती को निर्माण करने में, इस पृथ्वी को, हमारे पूर्वज यहाँ पर भी हम देखते हैं आदि धर्म किताब में देखते हैं कि एक केंचुआ और कछुआ ये भी हमारे पूर्वज है। हम जो सारुल मनाते हैं आज, अभी जो चल रहा है सारुल का महीना में, कोई कोई हमारी तरह हो रहा है 16 तारीख, जैसा कि हम चांद सूर्य को देखकर हमारी हुल्लो पर्यंत से, हुल्लो मैंने आदिकाल से चैत्र महीना पुनी में हम मानते हैं सारुल खादी पर्व जिसको बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ बात है, तो हम जो पोएम का हिसाब से एक किताब में लिखा है, तो इतना ही बात है हम कछुआ का ये के बारे में हाथ
बात करेंगे, बहुत सारा लिखा है। तो हम इतना ही आज हम बात करेंगे, और इसका जो हम जो पढ़े आकाश की देवता, पृथ्वी की धरती माता, हमारे पूर्वज चांद सूरज को पुत्ते पुत्ते आज आए हैं। तो हमारे इरु बाबदन जैसा कि कोनो कोनो बागन अजगर दाऊ लग गई, लेकिन अपना भाषा अपना ही पहचान ही के, तो कोनो हिंदी इंदा कथना खरदन मदन आता लगे दूसरा ही कथा ही के, तो कोनो तुर कथना करना गेंगे अपना पान लग गई। तो कुछ अलग कुणुक जिन गानी की चैनल इंद्र के कुणुक जिन कुणुक ही जिन गानी की चैनल के उद्देश्य समझे कुणुक भाकान और कुणुक मन्नन पर्दा गे और परम्परा कुणुक हर की जो जिन गानी की जो इन्ना नेला तो जिंदगी गानी जो चल रहा ली। तो उल्लो पर्यंत जो ऐतिहासिक कथर है अधिनोंद अब ये निगम मुंधरे उनका प्रयास रही और उनका कोशिश रही। तो नंगे आलार इन्ना प्रकृति के खिलाफ मुँह केरर का लगनर, तो अधिगे भी दुख तकलीफ प्रकृति उठावा लगी। तो अन्य तो नंग जब तक नंगे प्रकृति की नेगार नेगचार और नेग दस्तुर जिस दिन नाम आखा पलत, तब तक नाम प्रकृति की वादी मना पलत। नाम जैसा कि अकन प्रखंड वादी उनका षडयंत्र ही के और प्रकृति वादी उनका सच्चाई जो वानर सच्चाई जो एरा लगदा आत्मा एरा लगदा जो चांद सूरज इत एरा लगदा अम्मू एरा लगदर एरा दर अम्मू एरा दर इन एकाडन बर्च कर दन हम मैं जिस जगह में आया हूँ वो एक ठू पानी बहना वाला एक ठू चीज़ है। जैसा कि हमारे जिंदगी हमारे जिंदगानी हमारे जीवन जैसा बहता रहता है हम आज हम जैसा कि आज इतना उम्र में आया है हम बहते ही तो हम आए इतना उम्र में और भी बहते रहेंगे, जैसा कि बुढ़ापा में आ जाएंगे हम। तो यही है प्रकृति, हम प्रकृति कभी भी किसी का छेड़खानी नहीं करता है, लेकिन प्रकृति के साथ मानव जात मानव सभ्यता उसका साथ छेड़खानी करता है, लेकिन प्रकृति हमको जितना दिया है हम उसको उतना नहीं दे सकते, लेकिन हम उसको जितना नष्ट कर रहे हैं लेकिन हम उतना उसको दे नहीं सकते। इसका मतलब है हम प्रकृति के खिलाफ आज जो हमारे बीच में जो अभी कोरोना जो भी आ रहा है महामारी बीमारी आ रहा है इसका मतलब है हम ही इसका कारण है हम ही हम मानव सभ्यता है हम मानव जात है इसका मत हमारी ये है। लेकिन हम आज इस सरुल का महीना में हमको सभी का संकल्प लेना है और सभी का शपथ लेना है जो प्रकृति को बचाना ही जल जंगल जमीन को बचाना ही। मैं आगे भी बोला था आगे बार वीडियो में प्रकृति को बचाना ही जल जंगल जमीन को बचाना। हम डॉक्टर रामदयाल मुंडा आदि धर्म किता है हम बोलते हैं, कोई लोग कोई भी धर्म बोलते हैं, लेकिन मैं कुणुक जिनगानी बोलता है और ऑल इंडिया कुणुक पढ़े युवक संघ जो कड़पा पेलू अड़पा सौसे राजी कुणुक नौजवान खोना वो भी बोलता है। तो आदि धर्म ही हमारी प्रकृति धर्म है, हमारी मूल धर्म है। आदि मतलब मूल मतलब सृष्टि का धर्म। हमको आज धर्म का कल किन कौड़ क्यों हमको जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जो आदिवासी जो इतना जो है इतना हजार का जो आदिवासी जितना भी बहुत प्रकार का आदिवासी है उन लोग अपना अभी ब्राह्मणकरण में घुस रहा है। इसका मतलब है ब्राह्मणकरण में हम जो पखंड को मानेंगे तो हम प्रकृति के खिलाफ में जाएंगे। एक ठो कहानी है छोटा से कहानी है एक ठो आदिवासी ने मूर्ति कारीगर था वो मूर्ति बनाया ऐसा कुछ। उसके बाद वो मंदिर में जब प्रवेश किया चप्पल पहन कर प्रवेश किया तब पंडित ने उसको बोला उसको कुछ भी गाली दिया गोली दे दिया उसका वंशज सुन्न हो जाएगा वंशज ख़त्म हो जाएगा ऐसा बोलकर। और कुछ दिन के बाद में बोला यार ऐसा ही होते रहता है उसका समय में बोला जे पंडित जी हमको थोड़ा प्रसाद दो ऐसा ही कुछ बात है। आपको मैंने मान से बोल रहा हूँ इसको ऐसा कहानी से आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बोला नहीं देंगे तुमको, तुम छोटा जात की नीचे जात की शूद्र है तुम अछूत हो ऐसा बोलकर उनको भगाया वहाँ से। किसको ना आदिवासी जो कारीगर था जो मूर्ति को बनाए। तो बोला वो मूर्ति को मैं बनाया हूँ उसको
मैं उसका ऊपर में चप्पल पहनकर उसका ऊपर में कौन अभी करके मैं उसको बनाया हूँ, नहाया नहीं नहाया कर बनाया, तो मैं कैसे उसको उसका मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता? बोला नहीं प्रवेश कर सकता है, तू शूद्र है, अछूत है। तो मैं उसको आत्मशक्ति दिया हूँ, मातृशक्ति दिया हूँ, बोला मातृशक्ति दिया हूँ, तो मैं उसको सृजन किया हूँ, मैं उसको, मैं मेरा जो मंत्र है, मैं तंत्र है उसको विद्या से मैं उसको सृजन किया हूँ उसको, ऐसा है ऐसा वो बात बोला पंडित ने। तो कुछ दिन के बाद और एक बार वो आदिवासी जो कारीगर था जो मूर्ति बनाया था वो गया, फिर बोला मंदिर बंद था तो पूछा, जब जाकर पूछा जे आज मंदिर बंद है, कुछ क्षेत्र का लोगों को पूछा जे आज मंदिर क्यों, तो वो लोग बोला जे पंडित जी का बेटा मर गया है। तो वो भी आदिवासी जो कारीगर था वो भी जाकर उसको पूछा जे पंडित जी क्या हुआ है तुम्हारे घर में, आज इतना रोना धोना चल रहा है, इतना प्रियजन साथी प्रियजन तुम्हारा परिवार वर्ग आज ऐसा हो रहा है। तो पंडित ने बोला तो मेरा बेटा गुजर गया है, चला गया, स्वर्गवासी हुआ है, मतलब स्वर्गवासी हुआ है, तो इसलिए हम दुख सह रहे हैं और दुख तकलीफ से हम अभी गुजर रहे हैं। तो जब आदिवासी कारीगर ने पूछा उसको जो आप तो उसी दिन मुझे बोला था मंदिर को जो उसी दिन मुझे बोला था जे मैं मूर्ति को मातृशक्ति दिया हूँ, मतलब मैं मेरा मंत्र तंत्र से उसको जान दिया हूँ, तो आप ही वो ऐसा पंडित ने बोला। तो वो जाकर पूछा जे तुम तो उसी दिन ऐसा बोला था, तो आप तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हारा स्वयं का बेटा है, तुम्हारा धन का, तुम्हारा सब परिश्रमी का बेटा है, तुम्हारा कुछ भी है, तो उसको कैसा तुम जीवन दान नहीं कर सकते हो, तुम मातृशक्ति दो उसको, उसको भी शक्ति दो, तुम्हारा जो मंत्र तंत्र है उसको भी, उससे तुम उसको भी प्रदान करो ताकि वो जी सकेगा। कैसे कि पत्थर को तुम दी पत्थर में तुम जीवन दान दे सकते हो, तो तुम्हारा अपना स्वयं का बेटा को दान नहीं कर सकते, दोबारा बचा नहीं सकते हो। तो पंडित ने बोल रहे तब ऐसा हो सकता है क्या, तो आप तो बोला था, तो उसी लिए साथियों प्रखंड का बाद हम जो देखते हैं वो मान जाते हैं, लेकिन अंदर में जो हमारा बीच में जो हो रहा है प्रकृति खिलाफ पे जाकर हम प्रखंड को मानते हैं। इसके अगर आपको समझ में आ गया जी कोई मूर्ति में कोई जान नहीं है, हम मानते हैं सिर्फ, लेकिन जो आप जानते हो ना बाजार में जो दारू भाटी और मंदिर का मंदिर का फर्क क्या है, हम उसको उसमें देते हैं कभी दोबारा ले आते हैं, ऐसा ही मंदिर और दारू का भाटी बड़ा बड़ा सरकार का चल रहा है, दारू भाटी मंदिर भी बड़ा बड़ा सरकार का दान मिलता है, कई मंत्री लोग का दान मिलता है, लेकिन इसमें क्यों ऐसा करने की क्या मतलब है जी? दारू भाटी जो है मंदिर वही है, फर्क देखने से वही है, तो हम दे सकते हैं लेकिन कभी ले नहीं सकते, तो उससे हमको बचाना चाहिए, हमारा आदिवासी हमारा आदिवासी को इससे हमको दूर करना चाहिए, क्योंकि जैसा कहानी में बताया उन लोग कोई बचाने वाला ही प्रकृति ही हमको बचा रहा है, अभी जो चांद सूर्य देख रहा है, जब आसमान देख रहे हैं, पानी पवन देख रहा है, यही है हमारा धर्म से, यही हमारा पूर्वज है, इसी को हम बचाना ही, हमारा पूर्वज को बचाना, हमारे धर्म को बचाना, प्रकृति को बचाना ही, हमारा धर्म को बचाना, हमारे आदि धर्म को बचाना। आदि मतलब मैं बार बार बोलता हूँ इसके बारे में, बहुत बार इसका आदि मतलब मूल है, सृष्टि है, सृष्टि का जो धर्म है इसको ही आदि धर्म बोलते हैं। इतना ही बोलता हूँ शाहरुख का महीना में, और भी मुझे फॉलो करते रहना और शेयर करते रहना, सबसे बड़ा सब्सक्राइब अब इतना साल से मैं वीडियो चला रहा हूँ लेकिन अभी तक इतना सब्सक्राइब नहीं है और इतना व्यूअर्स नहीं है, लेकिन आपको कोशिश कर रहा हूँ, आपको गुजारिश है मेरा छोटे के हिसाब से आप देखते हो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। इतना ही बोलता हूँ, जय धर्म, जय अधियार, जय कुणुक, जय भारत।